Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum. Ek martaba Raju ke liye mere orchestra band ke liye clap ho jaye bahut sari. Acha ji. दुआ उम्मीद यकीन हमेशा की तरह यही कि आप जाओगे खैर खैरियत होंगे इतने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं ना आ जाओ इधर आ जाओ मेरे पास आ जाओ अच्छा मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगी कि कितने लोग हसीन लगना चाहते हैं हाथ खड़ा करके बताएं आपको शौक नहीं है हसीन लगने का किसी को नहीं है शौक लगने का कितने लोग बदसूरत लगना चाहते हैं हाथ खड़ा करके बताएं ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ अच्छा सच सच बताएं हाथ खड़ा करके बताएं कि कितने लोगों को शौक है कि हम खूबसूरत लगें जब अपने आप को शीशे में देखें ये हुई ना बात हर किसी का दिल करता है कि वो हसीन लगे हर किसी का दिल करता है वो खूबसूरत लगे लेकिन मसला कुछ हुआ है कि मेकअप आप जितना कर लो कपड़े आप चाहे जितने अच्छे पहन लो चाहे आप जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलो जितनी अच्छी बड़ी गाड़ी में से निकल आओ लेकिन अगर आप हो गए मोटे आपका वजन होगा ज्यादा तो फिर ये अच्छा लगना जरा मुश्किल सा हो जाता है तो आज हम वीकेंड शो में बताएंगे कि आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह पतले कैसे हो सकते हैं तो क्या आप लोग तैयार हैं भाई अपने वीकेंड के बिजी स्केड्यूल के अंदर वीकडे के अंदर जब आप हफ्ते में पांच दिन इतना सारा काम कर रहे होते हैं खवातीन अपनी जगह काम कर रही होती हैं बच्चियां अपना काम कर रही होती हैं मर्द हजरात अपने ऑफिस की परेशानियों में सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं तो वीकेंड के अंदर कम टाइम के अंदर ज्यादा एक्सरसाइज करके इतनी ज्यादा भी नहीं कि बंदा बिल्कुल निढाल हो जाए थोड़ी ज्यादा वर्कआउट करके आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं आज हम प्रोग्राम में बताएंगे तो आप लोग तैयार हैं आप लोगों से पूछूं और अगर आप लोग तैयार हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं मैं यूके और यूरोप के नाजरीन को भी वेलकम करना चाहूंगी व्हाट्सएप के जरिए हमारे जो यूके और यूरोप के नाजरीन हैं वो हमसे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आप कोई वीडियो भेजना चाहें पिक्चर्स भेजना चाहें अपने प्यारों को कोई मैसेज देना चाहें यू आर मोर देन वेलकम और पाकिस्तान के जो व्यूअर्स हैं वो हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और फेसबुक के पेज के ऊपर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो आज कुछ ये है ना हाँ ये कोई ताली नहीं मेरे लिए मतलब मैं पागल हो गई हूँ ये मैं तो आज हमारा कुछ ऐसा सिलसिला होने वाला है ये जी मतलब एक्सरसाइज मजाक आपने समझा हुआ मैं भी बड़ी एक्सरसाइज करती हूँ अच्छा जी लेकिन हम जिस सेलिब्रिटी मेहमान को बुलाएंगे उनकी अगर हम बात करें और उनकी एक्सरसाइज की बात करें तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक मेरे ख्याल में फिजिकली फिट एक्टर्स आई हैव सीन ड्रामों की बात करें इनकी फिल्मों की बात करें इनकी मॉडलिंग की बात करें ही इज डन इट ऑल और माशाल्लाह फिट रहते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते धांसू किस्म के हैं आज धांसू किस्म की एंट्री होगी सो बहुत सारी तालियों में आप तैयार हैं मिलने के लिए असद मलिक वालेकुम अस्सलाम एक अफसोस है इतनी प्यारी बाइक इतने अच्छे तरीके से पीछे एक लड़की नहीं थी एक सेकंड हाँ मेरा जरा शॉर्ट हो रहा है ना खराब हाँ पीछे एक लड़की होनी चाहिए थी खूबसूरत सी जो हेलमेट उतारती और बालों को इस तरह करती क्यों भाई ज्यादती हुई है कि नहीं असद सच सच बताएं कितनी लड़कियों को सैर कराई है इस बाइक को सिर्फ फरहाना मकसूद को क्योंकि हम शूट पे एक साथ थे अच्छा हाँ, ये अच्छा क्लियर कर दिया मैं जरा परेशान हो गई थी कि क्यों क्यों वरना वैसे क्यों नहीं इट्स नॉट सेफ कि आप इस पे बिला वजह फिरें एक्चुअली मौसम आज बहुत अच्छा था और मैंने सोचा कि थोड़ा मौसम में एंजॉय किया जाए हाँ। फिर दूसरा ये कि मुझे यहाँ आने के लिए थोड़ी देर हो रही थी गाड़ी पे आता तो ट्रैफिक कितना था कि उसमें हमें बहुत टाइम लग सकता था लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना मौसम का फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल पे जाया जाए अच्छा सच सच बताइएगा वैसे तो जो सिग्नल फ्री रोड हुई है उसमें तो कोई मसला नहीं होता जहाँ इशारे होते हैं वहाँ पे अजीब सा नहीं लगता हैवी बाइक को रोकते हुए नहीं आप ऐसा समझें कि आप वहाँ अकेले खड़े हुए अकेले खड़े हुए हाँ ये वैसे है कि अकेले हैं बादशाह बने हुए अच्छा असद इफ वी टॉक अबाउट यू और अगर हम आपके करियर के ऊपर नजर दौड़ाएं प्लेस की बात करें शुरू से लेके अब तक यू ऑलवेज बीन फिजिकली फिट माशाल्लाह से मैंने नहीं कभी देखा कि कभी बॉडी टोन डाउन हुई हो या कहीं पे भी आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि कितना वर्कआउट करते हैं कितनी एक्सरसाइज करते हैं मेरा एक्चुअली शौक है खाना खाने से हाथ नहीं रोक सकता हाँ।
तो अब खाना है तो आपने डेफिनेटली जो भी आप खाएंगे वो आपका फैट में कन्वर्ट हो ही जाएगा और फिर एक्यूमुलेट भी होगा काफी हद तक. तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं वर्कआउट करता हूँ कि मैं मेरा खाने का शौक पूरा हो सके, क्योंकि खाने से हाथ रुकना नहीं है और मैंने फिर पतले रहना नहीं. असल में खाना आपसे मोहब्बत करता है, आप खाने से मोहब्बत करते हैं, ये एक ऐसा अटूट बंधन है जिसको हम तोड़ना नहीं चाहते. मैं खाने से मोहब्बत करता हूँ, नहीं खाना मुझसे मोहब्बत करता है, मैं जिम से मोहब्बत करता हूँ. आप जिम से करते हैं? अच्छा, मैं खाने से करती हूँ. But you can call me a two timer for that because खाने से ही मोहब्बत करता हूँ, जिनसे ही मोहब्बत करता हूँ. एक टाइम पे दो दो मोहब्बतें संभाल रहे हैं, बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर खाना किसी पे आशिक हो जाए, ये वाला इश्क लगना नहीं चाहिए, ये बड़ा मुश्किल है. नहीं, लेकिन अब असद कितना फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना होता है? देखिए, अगर आपको सुपर फिट रहना है तो आपको एटलीस्ट दिन में आपको 1.5 से 2 घंटे देने पड़ते हैं जिम में. 1.5 से 2 डेली? नहीं, लेकिन असद अब आप तो चले टीवी के ऊपर आते हैं, जो मॉडल्स हो गए या एक्टर्स हो गए, ठीक है, ऑब्वियसली स्क्रीन के ऊपर आपने अच्छा लगना है, लेकिन जो बेचारे मतलब 9 to 5 काम करेंगे वो कैसे कंप्यूटर के आगे, वो किस तरीके से 1.5 घंटा निकाले? 9 to 5 8 घंटे बनते हैं ना. मैं 12 to 9 9 घंटे काम करता हूँ और सीधा जिम जाता हूँ. और मेरा काम वो तो फिर ऑफिस में चेयर पे बैठ के कभी उठ गए, इधर से चीज पकड़ ली, कोई पेपर्स वगैरह ये जो भी है या फैक्स आ गया वो देख लिया, ऐसा कुछ. हमें तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन पैरों पर रहकर फिर आउटडोर्स में भागना भी पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, मौसम की सख्तियों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है एट द सेम टाइम. तो उसके बाद भी मैं घर नहीं जाता, जाता हूँ सिर्फ सामान रखता हूँ और अपना गियर चेंज करता हूँ, उसके बाद सीधा जिम. बेगम को सलाम नहीं करते बीच में? मतलब घर जाते होंगे, चेंज वेंज सलाम सबको करते हैं घर वालों को? सलाम ये सब रास्ते में देता हूँ, जाता हूँ घर भी जाके सलाम होता. अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. अच्छा, ये बड़ा मसला होता है ना हमारे माशरे में, बेटा जवान हो गए, पराठे खाओ. ओहो, एक बेटा मुंह तुम्हारा उतरा सा लग रहा है, 3 पराठे खाओ. वो बेटा करते करते तोंद सी निकल जाती है. 40, अब तो 40 तो खैर बहुत बड़ी बात है, 30 साल के बाद ही हमारे मर्दों की तोंद निकलना शुरू हो जाती है. ये बड़ा मसला होता है. कहते हैं कि तोंद खाते पीते घर आने की निशानी होती है निकलना, ये इस बात से अच्छा कि नहीं? निशानी तो होती है डेफिनेटली, लेकिन तोंद फिर मैंने ऐसे लोगों की भी देखी हुई है कि जिनके घर में अगले वक्त का पता नहीं होता कि खाना है आएगा या नहीं आएगा, उनकी भी मैंने तोंद निकली हुई देखी है. इट्स जस्ट अबाउट, वो एक चीज ज़हन में होनी चाहिए कि नहीं यार, उसको जो हमने खाना है उसको किसी हद तक प्रोसेस भी करना है. बिल्कुल सही, बिल्कुल. अच्छा, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे साथ मौजूद है बैक स्टेज, वो आपको थोड़ी एक्सरसाइज करके दिखाएंगी. और बाइक चाबी दे दें जरा. क्यों? बाइक में जाना है लेके? ओ, मैं सच कह रही हूँ, आप बैठे इधर रिलैक्स करें, चाबी. अगली बार मैं छोटी बाइक लेके आऊंगा वो ले जाएगी. ये असद ने ना मुझे इजी लिया हुआ. आप ले ब्रेक, मैं जरा फिट होके आ रही हूँ, 2 मिनट ब्रेक लें, आप जाएं, मैं आ रही हूँ. हम जुनैरा को और जुनैबिया को एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं बहुत सी क्लैप में. आइए प्लीज आइए. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक. आप तो ऐसे एक्सरसाइज कर रही थी जिस तरह कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे ना हम रोटियां हम इस तरह पका रहे होते हैं हमारी औरतें आधे से ज्यादा. लेकिन ये हमारी फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको घर बैठे सिखाएंगी कि वीकेंड के ऊपर बिजी स्केड्यूल में से थोड़े से टाइम के अंदर कितने बड़े बड़े रिजल्ट्स निकल सकते हैं कि आप वेट लॉस कर लें. एंड यू वर टेलिंग मी कि आपका 85 kg था वेट. बिल्कुल बिल्कुल, 85 से बिल्कुल 85 से फिर मैं आई थी 55 पर. 55? हाँ. शुरू से क्योंकि लाहौर में रहते थे, खाने पीने के खूब शौकीन थे, पराठे परूठे खूब खाते थे. लेकिन जब फिर इस फील्ड में या फिर जब कॉलेज गए तो फिर ये एहसास हुआ कि नहीं जी, दुनिया पतलों की है, स्मार्ट लोगों की है. तो फिर इस फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज डाइट. देखिए जी, डाइट बहुत मैटर करती है, ठीक है, खाली एक्सरसाइज से आप पतले नहीं हो सकते. अच्छा, मैं अब आपसे बेसिक बेसिक पहले सवालात करूंगी जो लोगों के जहन में. मैं असद आपका भी टेक इसमें चाहूंगी, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी जिम के अंदर एक्सरसाइज में और एरोबिक्स के अंदर, जो आप एक किस्म का आम जबान में कहते हैं डांस करना म्यूजिक में, इन दोनों में क्या फर्क है और इन दोनों में से बेहतरीन रिजल्ट कौन लेके आता है? देखिए, जिम में यू होता है ज्यादातर मेंबर्स आते हैं, उनको डंबल्स आप देते हो, कहते नहीं हम जिम करने आए तो मशीन दो, ठीक है. लेकिन मेरी जो पूरी प्रेफर होती है वो होता है मैनुअल. और एरोबिक्स अगर आप करते हो उसमें आपको उछलना होता है, क्रंचेस होते हैं, डांस होता है. डांस से ये होता है कि आप मेंटली फ्रेश हो जाते हो, हंसते हो, जितना हंसते हो वो भी एक एक्सरसाइज है, ठीक है. तो मैं प्रेफर करूंगी एरोबिक्स को. एरोबिक्स को. अच्छा, वीकेंड के ऊपर मुझे बताएं कि पैसे ना खर्च होए,
خواتین اگر جم نہیں جا سکتی ہیں, افورڈ نہیں کر سکتی ہیں, بچے ہیں, گھر والے ہیں, سسرال والوں نے بھی دعوتوں میں ویکینڈ پہ آنا ہوتا ہے بائی دی وے, تو اتنے مسئلے مسائل ہیں, لیکن پتلا بھی ہونا ہے, فٹ بھی, اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے, دیکھ کے حسین لگتا ہے شیشے پہ. کیا ٹپس آپ دے سکتے ہو؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے پورا چار دن تکا کے ڈائٹ کرنی ہے. تو جی, میری میاں صاحب کی چھٹی آج سیٹرڈے سنڈے, بچوں کے ساتھ میں نے کھانا ہے. ایک تو اس چیز کو بدلیں, جس ڈائٹ کو لے کے چل رہے ہیں اگر آپ اس پروسیجر سے گزر رہے ہیں کہ آپ کو ویٹ لوز کرنا ہے, تو پھر چیٹ ڈے اس میں نہیں ہے. اور چیٹ ڈے یہ نہیں ہوتا کہ جی پورا دن ہی آپ نے کھانا ہے اور رات میں بھی کھاتے رہے. رات کے کھانے کو کم سے کم کر دیں, بالکل صحیح, کاربس کم سے کم کر دیں, ناشتہ جتنا مرضی ہیوی کرے, چلے پراٹھا بھی کھا لیں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح, دوپہر میں بھی کم سے کم, یعنی اتنا کھائیں. دیکھیں, ہمیشہ بھوک رکھ کے کھائیں. جس وقت آپ دبا کے کھا لیں گے کہ نیکسٹ سانس بھی باہر نہیں آ رہا, تو آپ موٹے ہوں گے. یعنی ناشتہ اگر ہم شروع کریں تو ہم پراٹھا بھی کھا لیا, انڈا کھا لیا, بالکل دودھ پی لیا, بائٹس چھوٹے کر لیں, ٹھیک ہے, پراپر چبا چبا کے اچھے طریقے سے, جس طرح کھانے کا ہے طریقہ پراپر, اس طریقے سے کھائیں. اور رات کے کھانے کو آپ بالکل کم کر دیں, روٹی چاول تو نکال دیں. اور دوپہر کو کیا کھا سکتے ہیں؟ دوپہر میں روٹی لے لیں. چلے, اگر آپ نے صبح میں ایک پراٹھا لیا تو پھر آپ دوپہر میں روٹی نہ لیں, لیکن آدھی آپ دوپہر میں لے لیں, آدھی آپ صبح میں لے لیں. اس طریقے سے کر کے میں اس چیز کو بالکل نہیں کرتی جو مہنگے مہنگے ڈائٹ پلانز آپ لے کے آتے ہیں. جی, آپ یہ لے کر آ رہے ہیں, وہ چیز فالو کریں جو آپ لائف ٹائم کے لیے کر سکتے ہیں, جو گھر میں پک رہا ہے, جو ہو رہا ہے. اب ایک طرف آپ نے بریانی کا دیش کا چڑھایا, دوسری طرف آپ اپنا وہ بنا رہے ہیں, سٹیک بنا رہے ہیں, اس کا ایک دن آئے گا آپ کہیں گے یہ بھاڑ میں جائیں, میں یہی کھاؤں گا. ظاہری بات ہے, ڈبل کھاؤ. ہاں, تو پھر آپ ڈبل کھاتے ہیں. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلیں, سب کچھ کھائیں لیکن ہمیشہ ہر چیز کی کوانٹیٹی کم کریں, لیکن رات کے وقت کھانا کم رات سے کم سے. اسد, آپ کی کیا ڈائٹ ہے ہمیشہ سے, صبح سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو کیا روٹین رہی ہے ہمیشہ, ویکینڈز پہ خاص طور پہ؟ دیکھیں, اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں دو چار گھنٹے گزر جائیں گے. I'll try to keep it brief and concise. صبح آپ اٹھیں, شہد, اس کو پانی میں ملائیں اور پی لیں. وہ ایک اس دنیا کا سب سے اچھا, اینڈ آئی ریپیٹ, اس دنیا کا سب سے اچھا ریوائٹلائزر ہے, اس سب سے اچھا اس دنیا کا اینٹی بایوٹک ہے, سب سے اچھا اس دنیا کا اینٹی سیپٹک ہے, اور اس میں آپ کی بیماریوں کے لیے شفا ہے, اور یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. اس سے دن شروع کریں, وہ آپ کے سسٹمز کو سارا جیسے کہتے ہیں نا ایکٹیویٹ کرے گا بڑے اچھے طریقے سے, سلولی لے کے چلے گا جیسے اس کو ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ ناشتہ بے شک ہیوی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہیوی نہ کریں کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو آپ نے کام میں وقت گزارنا ہے تو وہ آپ پھر لیٹھال ہو جائیں, کیونکہ یہ آپ کو, کیونکہ آپ کے بلڈ, جتنا بھی بلڈ آپ کا وہ ادھر آ جاتا ہے, اور پھر وہ آپ کا یہاں پہ کم ہوتا ہے, پھر آکسیجن بھی کم ملتی ہے, تو آپ نیند پھر جمائیاں یہ وہ بوریت, تو اچھا آپ کا ایپیچیوڈ اچھا شو نہیں ہوتا کام کی طرف. مناسب ناشتہ, اور سب سے بڑی بات کہ آپ ایک ٹائم پہ کھانے کے بجائے یا تین ٹائم پہ کھانے کے بجائے اس کو چھ ٹائم پہ لے جائیں, شارٹ میلز کر لیں, ٹھیک ہے, جو آپ اتنا سارا کھانا ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں اس کے تین پورشنز کر لیں, اور اس کو اتنا 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 کر کے ایبزارپشن اچھی ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس کے ریزلٹس اچھے ہوں گے آپ کی باڈی کے لیے بھی, آپ کی باڈی اس کو ایبزارب کرے گی, اس سے جو اس کو انرجی یا جو بھی چیز چاہیے وہ لے لے گی. فار ایگزامپل, میں سوری بات کاٹ رہی ہوں, میں نے صبح, میں اٹھی ہوں صبح, میں صبح سات بجے فار ایگزامپل اٹھی ہوں, بیٹی کے لیے اٹھنا پڑتا ہے صبح ساڑھے چھ بجے کے قریب, میں نے ناشتہ کیا, چلیں پراٹھا کھا لیا, ایک انڈا لے لیا, ایک دودھ, یا چلیں چائے یا کافی, یا ہو سکتا ہے ملک شیک میں لے لوں, یہ میرا ناشتہ ہوگا. اس کے بعد میں کس طریقے سے دوپہر کے کھانے سے؟ آپ نے دو تین چیزوں کے نام لیے ہیں, پراٹھا, دودھ, ملک شیک اور انڈا. انڈا بہت ہی پازیٹیو ڈائٹ ہے اور پازیٹیو پروٹینز ہیں, اگر آپ یوگ علیحدہ کر دیں تو کسی کو مزہ آتا ہے تو وہ کھا سکتا ہے, اتنی کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. اگر آپ جم جا رہے ہیں اسپیشلی تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ جم جاتے ہیں اور پھر بارہ بارہ یا چوبیس چوبیس انڈے کھاتے ہیں ایک ٹائم کے اوپر, ان کو پھر یوگ ہٹانی پڑتی ہے سائڈ, صرف وائٹ کھائیں. جو آٹا ہے, جو روٹی ہے, میں میرا اپنا یہ سمجھنا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, میں نے کسی سے سنا نہیں ہے, میرا یہ خیال ہے کہ گندم, چینی, نمک اور گھی, یہ آپ کی باڈی کے لیے بنے ہی نہیں. ان سے میں نے بھی سنا, چاول اور روٹی چھوڑ دیں, چاول کی اگر پچ نکال لی جائے تو پیچھے سٹارچ رہ جاتا ہے, وہ آپ کو اگر جم جاتے ہیں تو بہت فائدہ دیتا ہے, جم نہیں جاتا تو پھر آپ کو موٹا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ جلدی فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے, تو اس کو وہ سبسٹنس ہی ایسا ہے. تو اس لیے جو جم جا رہے ہیں وہ تو اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں کسی حد تک, اور پھر جم کرتے کرتے یا ایکسرسائز کرتے کرتے یا ایک ورک آؤٹ روٹین کا حصہ رہتے ہوئے آپ کو آہستہ آہستہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے, بالکل صحیح, اور کتنی بریکس کے بعد کھانا ہے. ٹھیک ہے, اچھا بریک کی بات ہو رہی ہے, ایک بریک یہاں پہ بھی لینی ہوتی ہے, وہ بریک ہم لیں گے. چابی تو دیں بھائی, ہم جا رہے ہیں ذرا بائک پہ سیر کرنے.
मैंने कहा है ना नेक्स्ट टाइम मैं छोटी बाइक लेकर आऊंगा, मतलब मैं लेके भाग जाऊंगी, कितना डर है। नहीं नहीं नहीं, लेकर आप चाबी लेके भाग सकती है, बाइक लेके नहीं भाग। मैं आ रही हूँ, आ जाए दोनों बहनें चले, बाकी हम आ रहे हैं, ये इधर बैठ के देखेंगे और आप देखिएगा मैं बाइक चला के आऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगर आपकी तोन निकली है तो हम घर बैठे आपकी तोन अंदर करने की कोशिश करेंगे। Welcome back once again. Break ke baad hume join ki hai Saad ne. He's a very, very good singer. And he's got a beautiful voice. Welcome karein ji, bahut si clap mein Saad Rashid ko. Saath mein modeling bhi karte hain, acting bhi karte hain, gym karte hain ki nahi? Assalam alaikum. Wa alaikum assalam. Sabse pehle thank you so much for having me in your show. Aur obviously gym karte hain. फिर आपका और मेरे ख्याल में असद का वो हाथों, क्या कहते हैं, हाथों का पंजे का मुकाबला क्या कहते हैं? रिस्ट रेसलिंग? नहीं नहीं, मैंने असद भाई से अपनी बाजू नहीं तोड़वानी। कौन असद के साथ करना चाहेगा मुकाबला आर्म रेसलिंग का, बताएं कौन? आशिक भाई आप करना चाहेंगे? उसे कहते हैं पंजा आजमाई। पंजा आजमाई कौन करना चाहेगा बताएं? ये लाल शर्ट वाले आप करना है? इतनी हिम्मत है आप? आ जाए प्लीज आज। अच्छा एक काम करते हैं, काम करते हैं, आप बैठे एक सेकंड, मैं फिर ना प्रॉपर आपका ना मैं प्रॉपर एक टेबल लगवा के आप तैयार हो जाएं, बस तब तक जरा करना पुशअप शुरू कर दें। ताकि फिर मैंने अभी देखा कि टेबल नहीं, ताकि टेबल जल्दी से अशफाक अरेंज कर दें ताकि हम नेक्स्ट उसमें कर सके। अच्छा जी, कुछ हम ब्लूपर्स आपको दिखाएंगे, कोई वीडियो रेडी है नहीं कि जी, एक्सरसाइज करने का हर किसी को शौक होता है, लेकिन भाई एक्सरसाइज जिम में अगर करनी भी है तो खुदा का वास्ते सही तरह करें। ये लोग क्या करें जरा देखिए, एंजॉय करें जी, दिखाएं भाई। तो क्या भाई, आप मेरा मशवरा ये गोरे भाई के ना करें, ये आपके पास का काम नहीं। असद आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने देखा किसी को? ऐसा देखा है मैंने, लेकिन मैं चूंकि इस चीज का बहुत ख्याल रखता हूँ, जब आप जिम में होते हैं इट इज वेरी लाइकली कि आप अपने आप को सब्जेक्ट कर रहे हो किसी भी एमिनेंट किस्म के एक्सीडेंट, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक कंटिन्यूस मूवमेंट में रहना पड़ता है और मूवमेंट में टकराव तो होता है चीजों के साथ। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो जिम के इंस्ट्रक्टर हैं उनसे आप जाके रिक्वेस्ट करें कि मुझे एक्सरसाइज कराएं। कोई ना कोई बंदा आपके साथ आपको देख रहा हो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी, स्पेशली हैवी वेट्स के साथ मोस्टली होते हैं ये जो आपने देखा अभी वीडियो में, मोस्टली इनमें से लोग ऐसे थे जो शौकीन ज्यादा थे और किसी हद तक वर्कआउट से वाकिफ भी थे, लेकिन एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं। तो जब वेट्स को हैंडल करना है आपने, तो आपके साथ एक पार्टनर मस्ट है और इंस्ट्रक्टर होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी असद, मैं अपने इंस्ट्रक्टर से तो हम करेंगे, अभी हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? अभी हम करते हैं जी, ज्यादा जो मसला है हम लोग औरतों खवातीन को होता है पेट का, ठीक है, और उसको किस तरीके से उसके साथ कार्डियो ऐड करेंगे, कैसे एडवांस करेंगे, तो स्पेसिफिक मसल जो है वो अब हम टारगेट करें पेट का, ठीक है। सो पेट की एक्सरसाइज के जो पेट है खवातीन का वो भी अंदर हो जाए, या मर्द हजरात की जो तोंद है वो भी अंदर हो जाए, और या वीकेंड्स के ऊपर अपना लिए टाइम निकाल सकते हैं, कितने कितने मिनट्स दे सकते हैं? देखिये मैं ये नहीं कहती कि घंटा घंटा आप एक चीज को लगे रहे, एंगल्स का प्रॉपर ख्याल रखें खास तौर पर, ठीक है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बताया कि आप इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर लेकर देखें, आप जब कभी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका एंगल ठीक नहीं है, आप दो दो तीन तीन साल भी लगे रहेंगे ना, तो आपकी वो चीज का फायदा नहीं। अच्छा एंगल अगर मेरा सही है एंगल, तो 15 मिनट्स कर लूं? 15 मिनट्स बहुत है, 20 मिनट्स बहुत है, ठीक है जी। सो ये जो एक्सरसाइज आप करने वाली है ये पेट की एक्सरसाइज है जो वीकेंड्स के ऊपर 15 मिनट सिर्फ आपने निकालने, तो आपका पेट कितने दिन में जरा रिजल्ट्स आ जाएंगे? देखिए ये तो अगेन डिपेंड करता है एक डाइट का, अगर आप डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज का एंगल ठीक है और प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आपको एक हफ्ते में आपकी बॉडी में चेंज नजर आ जाए। एक हफ्ते के अंदर जी, अब शर्तिया है, लेकिन उस सूरत में कि वो डेली बेसिस पे हो रही है। हाँ, बिल्कुल। एक हफ्ते बाद आप एक दिन करने के बाद कहीं जुनेबिया ने कहा था कि एक हफ्ते में हो जाएगा, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी है। डाइट भी अच्छी हो, डाइट भी अच्छी है, लेकिन कंटिन्यू, लेकिन एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट देखने में सामने आएगा। अच्छा जी उसके बाद हमने करनी है असद से, हमने एक्सरसाइज थोड़ी करवानी, पुशअप्स कौन करना चाहेगा ऑडियंस में? गबरू जवान कौन है जो समझते हैं ये व्हाइट शर्ट वाले? हाँ चले जी पुशअप्स का होगा मुकाबला, तैयार हो जाए, पहले होगी एक्सरसाइज, आ जाए आ जाए जी। अच्छा ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है बहुत सारी ये चीजें, ठीक है, ठीक है, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें हम कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथ के साथ साथ कार्डियो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा हार्ट बीट को फास्ट करेंगे, बिल्कुल सही, और फिर साथ साथ जुनैरा और मैं आपको पेट की बताते रहेंगे प्लैंक्स और डिफरेंट एक्सरसाइजेस, ठीक है जी। म्यूजिक लगाइए I believe there's a chance we can
जी जी, साथ साथ म्यूजिक लगा ही रखिए। ये मुख्तलिफ तरीके आपको इन दोनों ने करके दिखाए कि पेट की टमी टक कैसे एक्सरसाइज घर में 15 मिनट आप रोज करें, 7 दिन के बाद रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ये नहीं है कि 7 दिन बाद रिजल्ट्स देख के आप शीशे के अंदर खुश हो जाएं और 8वें दिन ना करें। सो ये जरूरी है कि आप इसको करते रहें। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले प्लीज आ जाइएगा, असद से भी हमने एक्सरसाइज करवानी है। असद, वैसे आप कितनी रोज जिम में एक्सरसाइज करते हैं? मैं डेढ़ से दो घंटे डेढ़ से दो घंटे रोज रोज नहीं नहीं रोज डेढ़ से दो घंटे बड़ी बात है, डेढ़ से दो घंटा है, नॉट अ जोक। अच्छा जी, ब्रेक तक आ जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगी, साद हैज गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो साद की आवाज में खूबसूरत सा गाना सुने। साद, कौन सा गाना सुनाएंगे? सबसे पहले मैं अपना डेब्यू ट्रैक जो मेरा पहला गाना था दिल द वूफर, तो वो सुनाता हूँ, एंड आई एम श्योर के आप लोग अप्रिशिएट भी करेंगे और मेरा साथ भी देंगे। जी आइए जी। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद हमें दी वन एंड ओनली सामिया खान ने ज्वाइन किया है। अच्छा, अब मसला जरा गंभीर सा है। सामिया के पास वापसी की गाड़ी नहीं है, अब सामिया के बैग में पैसे भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, मैं पैसे लेके नहीं आती, तो सामिया इनकी है हैवी बाइक, आप अगर जाना चाहें तो कोई मसला? यार देखो, हैवी बाइक पे हैवी सामिया नहीं जा सकती। छोटी सी जान के ऊपर वैसे ज्यादती है ना, मेरी जान छोटी है ना, मोटरसाइकिल की जान छोटी है। मसला ये है, देखे देखे इनकी तरफ से कोई मसला नहीं है, बाइक से पूछ रहे। बहुत ज्यादती है सामिया, इतनी फिट है, तालियों से पता चलेगा। सॉरी, मुरम्मत में बजा रही हूँ, फिट ऐसी बात ही नहीं कोई। अच्छा जी, अब चूंकि सामिया आ चुकी है, थोड़ा सा हम स्टार्स को डिस्कस करेंगे, अगला आने वाला हफ्ता जी क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज हमने प्लान किए वो भी हम दिखाएंगे। जी सामिया जी, शुरू कर दे जी इजाजत। अच्छा जी, एरिस यानी कि बुर्ज हमल, एज ऑलवेज एरिस, ये वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लेके आ रहा है, कुछ बुरे सितारे मंजर से टल गए हैं, 21 तारीख से कुछ काफी चीजें क्लियर हुई हैं पहले से, लेकिन ये वाला हफ्ता जो है 25 अप्रैल से ज्यादा अच्छी खबरें लाएगा, रुके हुए काम होने के चांसेस हैं, पैसे आने के चांसेस हैं, अंदरूनी मुल्क ट्रेवल के चांसेस हैं, जिससे आपको फायदा भी होगा, लेकिन सेहत और जॉब इन दोनों में अभी भी आपने केयरफुल रहना है। अब वो टाइम करीब आ गया है जब जॉब हाउस और हेल्थ हाउस क्लियर हो जाएगा 9th में,
2017 से. और बाकी जो मैं आपको हमेशा से कह रही हूँ, अगर आप रिश्तों के लिए टाइम बेहद प्यारा मुनासिब है, जो लोग अपने सोल मेट की तलाश में हैं, ये वाला टाइम बेइंतहा खूबसूरत टाइम है, आपकी तलाश रायगा नहीं जाएगी. टॉरस यानी कि बुध सौर, आपका शुरू के पांच दिन इस हफ्ते के थोड़े से स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन नॉट मच. दोस्तियों से फायदा, दोस्तों के साथ एंजॉय करें, मेंटली भी कुछ पॉजिटिव आप रहेंगे. सिर्फ हल्के फुल्के स्विंग्स का खतरा है, लेकिन 27 से शुरू होने वाला हफ्ता फिर आपके लिए अच्छी खबरें लाता है. जाती जिंदगी में भी, फाइनेंशली भी, जॉब में कोई अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है. लव लाइफ थोड़ी सी अभी भी एट स्टेक है, तो लव रिलेशनशिप में अभी भी केयरफुल चलिएगा अगर आप अपने ब्रेकअप से बचना चाहते हैं. ठीक है. अच्छा सामने थोड़ा सा माइक में आपके इशू आ रहा है, माइक फिर एडजस्ट कर ले. अच्छा असद, जैसे बताइएगा आपका क्या स्टार है? सैजिटेरियस. अच्छा कितना देखते हैं हॉरोस्कोप, कितना नहीं देखते? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े फर्क के साथ एक जैसी होती हैं. बट आई डोंट बिलीव इन लाइक फ्यूचर के बारे में, ऑब्वियसली फ्यूचर टेलिंग लाइक फॉर्चून टेलिंग ऐसा मैं उसमें नहीं जाता. हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया रखते हैं अंदाजे. जो बिल्कुल सही. अच्छा आप लोगों के क्या स्टार्स हैं? दोनों लियो. लियो दोनों मतलब इकट्ठे? अरे दोनों लियो. 31st मैं भी लियो. आप भी तीनों लियो. अच्छा एंड व्हाट अबाउट यू? मैं जी स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो, अच्छा वेरी गुड. जी सामिया अभी आने वाले. आंखें भी स्कॉर्पियो. अच्छा जेमिनाय यानी कि बुर्ज जौसा. अच्छा जेमिनाय के लिए करियर में कोई बहुत अच्छी चीज इस वक्त हो सकती है. इस हफ्ते में एक बहुत बेइंतहा कोई अच्छी पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन फिर 25, 26, 27 और 28 अप्रैल के दिन जो हैं, ये थोड़ा बहुत मूड स्विंग, वैसे भी जेमिनाय के मूड स्विंग्स उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, तो ये वाले दिन थोड़े से आपको अपसेट कर सकते हैं. लेकिन अपने मिजाज के अंदर एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी अगर ज्यादा बढ़ गई तो अपने आप को एग्रेसिव फील करेंगे, तो थोड़ा सा मूड के एग्रेशन से बचना है आपने. लव लाइफ में आपके सितारे अच्छे जा रहे हैं, आप अपनी लक को ट्राई करते रहिए. कैंसेरियन यानी कि बुध सरतान. अच्छा जी ओवरसीज को ट्रेवल के भी हालात बन रहे हैं, करियर में भी अच्छी खबर है. सिर्फ 27 और 28 अप्रैल दो थोड़े से स्लो दिन हो सकते हैं. आपने ट्रैफिक में बहुत मोहतात रहना है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते हुए भी एहतियात करनी है और गाड़ी आहिस्ता चलानी है आपने. फैमिली साइड से अच्छे सितारे जा रहे हैं, लेकिन जॉब अभी स्विच करना है तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए और अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना. लियो यानी कि बुर्ज असद, आपके लिए पैसों में अच्छी खबर है. 22, 23, 24 की तारीखों में पैसों की अच्छी खबर बनती है, करियर में अच्छी खबर बनती है, ओवरसीज ट्रेवल के हालात बन रहे हैं आपके. दूसरा ये कि दोस्तियों से फायदा आपको हो सकता है. अंदरूनी मुल्क जो लोग मनपसंद पोस्टिंग चाहते हैं उनको फायदा है. सिर्फ लव लाइफ थोड़ी सी ठंडी है, ये मैं और जिनेबिया पहले भी हम बात कर रहे तो लियोस पे थोड़ा सा ये वाला टाइम जो है वो अभी मजे का नहीं है, लेकिन नहीं होता सामिया जी. एक दुखियारी बैठी हुई है, कोई बात नहीं, बराबर के शरीक. ये तो ब्रेक में करने वाली बात है, ऐसा दुख है कि ऑनर ही कर रहे हैं जी अगला. बस अब जो है ना जिनेबिया के रिश्ते तो आए आए और आप रिश्तों वाली माई ना बन जाए, यही होना है मुझे तो लगता है एंड में. अच्छा जी अगला सितारा. अच्छा जी वर्गो यानी कि बुध संभला. आप अपने जो जो जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है वर्गो, उसकी थोड़ा सा मोहतात रहिएगा. या पार्टनरशिप अगर डिस्टर्ब है, थोड़ी सी तहमुल की जरूरत है. इंशाल्लाह 1-10 दिन के बाद आप इस खतरे से निकल जाएंगे. पैसों वाइज अच्छी खबरें हैं, ये वाला हफ्ता सारा अच्छा है, सिवाय 25 और 26 अप्रैल की तारीख में थोड़े से अखराजात सोच समझ के बाजार जाना है, तो विंडो शॉपिंग करनी है आपने. रिलेशनशिप में भी सितारा अच्छा है, ओवरसीज ट्रिप में भी सितारा अच्छा है, करियर में भी सितारा अच्छा है. सिर्फ अगर मोहतात रहना है तो अपने घरेलू जो अफराद हैं उनके साथ आपने गुफ्तगू में. लिब्रा यानी कि बुर्ज मीजान. आप लोगों को मैं हमेशा से कहती हूँ थोड़ा सा टाइम और है जिसमें आप लोग पैनिक का वाला जो टाइम होता है या आपके अंदर एंग्जाइटी या जॉब का स्ट्रेस आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपकी एक जो पॉजिटिविटी है वो इन चीजों को ओवरकम कर लेगी. ये वाला वीक जो है 23 और 24 की तारीख थोड़ी सी लथार्जिक फील कर सकते हैं. 25 से शुरू होने वाला हफ्ता फिर आपके लिए ठीक है. 27 और 28 अप्रैल में पैसों की भी खबर नजर आती है और आपका भी कोई जो है जो बच्चे पढ़ रहे हैं कोई अच्छी कामयाबी या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं आपका भी सितारा पॉजिटिव जा रहा है. स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक्रब जो है थोड़ी सी चीजें आपको फील हो रही होगी स्कॉर्पियंस को कि अनसर्टन है, कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं,
تھوڑا سا ٹائم اور آپ کا جو ہے ایسا ہے کہ جس میں, لیکن یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی, آپ دعائیں بہت مانگیے, دوستیوں پہ زیادہ ریلائی نہیں کرنا, لو لائف میں بھی ستارہ اچھا ہے, جاب ہاؤس میں بھی ستارہ بہتر ہو گیا ہے, ریلیشن شپ میں بھی ستارے بہتر جا رہے ہیں, صرف اخراجات کا پریشر تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتا ہے. سجٹیریس یعنی کہ برج کوس, آپ کا جی جو ہے یہ والا ہفتہ صرف 27 اور 28 اپریل چھوڑ کے باقی سارے دن ٹھیک ہیں. فیملی کوئی گھر کو ریڈو کر سکتے ہیں یا گھر چینج کر سکتے ہیں. ہیلتھ میں ستارہ اچھا جا رہا ہے, نوکری میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, ریلیشن شپ میں تھوڑی سی اگریسو ہونے سے آپ نے گریز کرنا ہے, کوئی ڈیزائر پوری ہو سکتی ہے, دوستیاں جو ہے وہ آپ کی بڑی کام آ سکتی ہے, نئے دوست بن سکتے ہیں. کیپریکون آ جاؤ, جلدی جاؤ. کیپریکون یعنی کہ برج جلدی, آپ کا ایشو ہے وہ ساتھ جی دوپٹے کے ساتھ بالکل ٹھیک. اچھا اوکے, کیپریکون کا جو ہے جی 22 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک جو ہوم فرنٹ کے اوپر سب اچھی خبریں ہیں. بچوں کی سائڈ سے بھی ریلیکس رہیں گے, صحت میں تھوڑا سا محتاط رہیے گا, وہ جو آپ کے لیے بھی وہی احتیاط ہے کہ اپنی موومنٹ کو ذرا سا سلو رکھیے گا, صرف جو بچے پڑھائی میں ایکسٹرا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. کیپریکونینز کا کیریئر ہاؤس بہت مزے کا ہوا ہوا ہے, تو کیریئر میں کوئی نہ کوئی جو ہے اچیومنٹ آپ کے اس پہ آ سکتی ہے اگر آپ ذرا سی اپنی کوشش کریں, کیونکہ جوپیٹر کیریئر ہاؤس کے اندر ہے, فیم بھی مل سکتا ہے. ایکویریس یعنی کہ برج دلو, 23 اور 24 کو پیسوں والا ستارہ آپ کا بڑا ایکٹیو چل رہا ہے, 25 26 27 28 اندرون ملک اگر سفر کرنا پڑتا ہے تو فائدہ نظر آتا ہے. لو لائف میں تھوڑا سا گریز کیجیے بحث مباحثے سے. یہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں جن کے مقدمے پھنسے ہوئے ان کے لیے اچھی خبر ہے, لک کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم دے سکتی ہے جو کہ 12 سال پہلے ایسی اپرچونیٹی ملی ہو, تو لک کے لیے ستارہ سے باہر کی خبر دے سکتا ہے, کوشش آپ نے کرنی ہے اور حرکت میں برکت پھر اللہ کا وعدہ ہے. پائسنس یعنی کہ برج حوت, جو پائسنس ہے ان کا یہ والا ہفتہ سارا ٹھیک ہے, جو ہے 25 اور 26 کی ڈیٹس بھی ان کے لیے فائنینشلی اچھی خبر لے کے آ رہی ہیں. گھر کے افراد کا تھوڑا بہت ٹینشن ان کو تنگ کر سکتا ہے, یا جو ازدواجی معاملات ہیں یا پارٹنرشپ کے معاملات ہیں وہ بھی تھوڑے سے احتیاط والے ہیں, اور نیا بزنس چینج ابھی نہیں کرنا. پیسے کو رولنگ پہ جو وہ پیسے آنے کے حالات آپ کے اچھے, بلکہ رولنگ پہ ڈالیے, لیکن نیا تجربہ بزنس میں آپ نے کوئی نہیں کرنا. آخری میری وہی لائن, اندازوں کا علم ہے غیب کا علم نہیں ہے, اور غلطی کا امکان ہوتا ہے. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, اگر بریک کا ٹائم نہیں ہوا تو میں پھر ان سے ایک اور ایکسرسائز پوچھ لوں, جلدی سے نہیں مجھے بتا دیں. اچھا جی, اچھا ٹائم ہے. اچھا ایک اور ہمارا مسئلہ بڑا ہوتا ہے, میں اسد سے بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی, ڈبل چن, ہماری خواتین کی ڈبل چن نکل آتی, کچھ کی تو ٹرپل بھی نکل آتی, مرد حضرات کا تو اکثر منہ ہی نہیں نظر آ رہا تھا نا کہ ہڈی یہ والی کہاں ہے, اور داڑیاں رکھ لیتے. ہاں داڑیاں اوور ایج ہونے لگتے ہیں, داڑھی. ہاں تو خواتین بیچاری داڑھی بھی نہیں نا رکھ سکتی, مسئلہ ہی یہ ہے ویسے. بڑا جو ہم لوگ کا آج کل کا مسئلہ ہے نا وہ ہے سیل فون. سیل فون ہے نا, جب ہم لوگ اس طریقے سے اس کو یوز کریں گے, لیٹ کے یوز کریں کسی بھی طریقے سے, تو پھر میرے خیال میں پوسچر کا بڑا میٹر ہوتا ہے. بیک آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ینگسٹر سارے وہ اس طریقے سے بیک اسٹریٹ نہیں ہے. جب آپ کی بیک اسٹریٹ نہیں ہوگی, آپ آگے کو جھکو گے, چن آٹومیٹکلی آپ کی زیادہ ہوگی. تو ایک چیز کا خاص خیال رکھیں, چوئنگم بھی میں آپ کو کہتی ہوں کہ وہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, لیکن اگین ایکسرسائز کرتے ہوئے جب آپ سانس کو اندر لیتے ہو باہر لیتے ہو تو اس میں بھی ہم منع کر دیتے ہیں, لیکن اس کا بہترین حل یہ ہے کہ صبح جب آپ سو کے اٹھتے ہیں, آپ واش روم جائیں, جب آپ برش کرنے لگتے ہیں تو منہ میں کلی پانی لیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ جتنی دیر تک آپ کے یہاں مسل میں درد شروع نہ ہو جائے تو آپ اس کو. اچھا یہ نہ صرف آپ کی ڈبل چن, پورے فیشل جتنے بھی آپ کے ایکسپریشن جتنی بھی ہے, آپ اس کو سمپل فیس کو ایسے رکھ کے پانی لیں اور تیز. ٹھیک ہے, ایک دفعہ دوبارہ کر لیں, کلوز اپ آ گیا تاکہ ذرا ایسے بالکل فیس کو سامنے رکھے, بیک کو کوشش کرے بیک ہمیشہ اسٹریٹ رکھا کرے, پیٹ کو اندر کھینچ کے رکھا کرے, جب بھی بیٹھے ہیں اٹھے ہیں کھڑے ہیں چل رہے جو بھی, تو منہ میں پانی لیا آپ نے اس کو, اور بالکل لائٹ یا فاسٹ جس طرح آپ کو سوٹ کرتا ہے. اچھا میں یہ خود پرسنلی کرتی ہوں کہ میرا خود خاندانی مسئلہ, ہمارے فیس تھوڑے سے یہ بیکم ہر کسی کا ہوتا ہے, تو ہمیشہ دو الفابیٹ میں آپ سے کہتی ہوں, ای او ٹھیک ہے, اور دوسرا پاؤٹ میں وہی سب سے بیسٹ. ہاں ہاں دوبارہ ذرا کیجیے گا, ای او دوبارہ کیجیے گا, دو الفابیٹ جتنا آپ اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں, اتنا بھی اسٹریچ نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے زیادہ ہی کام خراب ہو جائے, ای او اور دوسرا فیس کو جب بھی آپ نے اسمائل والے اس میں لانے اور یہ اسٹریچ اس طرح اس کو ایسے رکھیں کہ لوگ ساتھ ساتھ ٹرائی بھی کر, اور بالکل چین کو ایسے رکھ کے
फेस को ऐसे रख के टीवी देख रहे हैं कुछ भी तो ऐसे देख इसमें एक और चीज मैं तो कोई लड़का देखे किसी लड़की को हसरत से ना ये वो वाला है जरा लगाएं पोस्टर दोबारा जरा देखें ना ये पोस्टर अब कौन लड़का कैंडल सामने पड़ी और एक और बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है सामिया की हां एक और बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है चिन के लिए खुद तो मैंने कम ही की है लेकिन जब भी किया उसका फायदा हुआ अपनी जबान से अपनी नाक को टच करने की कोशिश करें सिर्फ 5 बार बड़ी अच्छी स्ट्रेचिंग के फेस किया हाँ 5 बार और ये आप 10 सेट्स कर लें नहीं 5 बार ठीक है 10 सेकंड इंतजार करें फिर 5 बार कोशिश करें कि नाक को टच करें सामने आपकी जबान नाक को टच करती करें आपने यहाँ पर ले जानी है ऊपर की तरफ ऊपर करें ना हाँ नहीं जा रही है सामिया क्या जबान है मतलब आप करें ये चिन की तो जाएगी चिन की बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है वो कहती है ना जबान लंबी नहीं है जबान लंबी ना साथ आप करें जी आप करें जी जी करें जरा जबान साथ को जरूरत नहीं मुझे जरूरत नहीं मैं मेरा वैसे फेस करना ना करके दिखाओ कितना फखर है ना कभी तो बड़ा हो जाए हमें जी ये फखर ही होता है करके दिखा कॉन्फिडेंस मैंने इतना कंसीटेड बना मैंने नहीं देखा अभी ये ऐसा सही ये वाला ठीक हुई है उसको टच करें जितनी बार करेंगे उतना अच्छा 10 बार 15 बार ऑलराइट जी वेलकम बैक वंस अगेन मेरा क्लोजअप ना ले मास्टर शॉट ले हमारे गबरू जवान हमारे साथ मौजूद है तालियां हो जाए गबरू जवान पे तुम्हारे कैमरामैन की भी हंसी निकल आई मतलब वैसे आपकी भी सेहत ज्यादा इतनी अच्छी नहीं जो आप हंस रहे हैं माशाल्लाह से अच्छा जी असद आप आ जाए ना मतलब ऐसे थोड़ी ना होते तालियां हो जाए भाई असद के लिए भी अच्छा अब असद सिलसिला कुछ यूं है कि ये जो हमारे इतने प्यारे हटे कट्टे तो नहीं मैं कह सकती माशाल्लाह से सेहतमंद नौजवान है ये पुशअप्स करके दिखाएंगे और उसके बाद फिर असद करके दिखाएंगे तैयार हैं कि नहीं अच्छा असद क्योंकि अब नेशनल टेलीविजन है करोड़ों देख रहे होंगे लोग वो लड़कियां भी बच्चा भी ऐसी चीखे मार रहे हैं ना लड़कियां जो इनको पसंद होगी वो भी देख रहे हैं कितनी पुशअप्स होनी चाहिए तो इज्जत रह जाएगी ये बताएं कम से कम 20 हो तो ठीक है बहुत अच्छा हो जाएंगे 20 चले जी फिर आपकी तालियां और म्यूजिक 1 2 3 एडवांटेज है कि वैसे बड़ा लाइट है ना बॉडीज की हल्की है तो उसमें उसको फायदा हो गया कि ज्यादा उसने कर ली है हाथ पकड़ के फिर विनर तो कर देना द विनर थैंक यू अच्छा लेकिन वैसे इन सब ने 20-20 से ऊपर कर ली थी तालियां हो जाए इनके लिए अच्छा ये तो भी टीजर था ये तो बच्चे आए थे अब आएंगे जी गुरु साहब तो ये अब करके हमें दिखाएंगे मुझे तो अब 200 तो करने से रहे मतलब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाना नहीं, तो ये तो बेसिकली आपका वार्म अप एक सेशन होता है उसमें आप 10-10 के 5 सेट भी कर सकते हैं उसमें 20 के 2 सेट भी कर सकते हैं अब कम टाइम में कितना कर सकेंगे इसके अंदर मैं हाँ मैं इस तरह से नहीं करता उसकी वजह से एनर्जी वेस्ट हो जाती है हमें सिर्फ वार्म अप करना होता है ये मैं बताना चाहता हूँ वार्म अप करना होता है क्योंकि अगले सेट जो हमें जिनके अंदर मसल की डेवलपमेंट चाहिए उसके लिए एनर्जी सेव करनी होती है तो उसमें आपको सिर्फ वार्म अप करना है और स्लो स्पीड में करना है अच्छा एक डेमो करके दिखा दे ये कर सकते हैं हाँ मतलब डेमो कर ले म्यूजिक लगा दे साथ अगर आपको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है नहीं उसकी जरूरत नहीं ठीक है अच्छा ठीक है तो आप उसको वाइड हाथों के साथ यहाँ स्लो स्पीड में यहां से जाएंगे और यहां से ऊपर आए ठीक है आराम आराम से और अगर इसमें गर्ल्स करना चाह रही है तो वो अपनी नी को बेंड कर ले उनके लिए आसान हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी और कोई एक्सरसाइज ऐसी डंबल्स किधर गए हैं हमारे जो थे हाँ ये डंबल्स अच्छा वैसे तो असद ये तो बिल्कुल छोटे छोटे से डंबल्स हैं ऑब्वियसली लड़के तो नहीं लेकिन एक पोस्चर होता है ना खास इस्तेमाल करने का वो भी बता दीजिए जरा जैसे हमारी खवातीन है उनको पेट का इशू है और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो होते हैं ये बहुत ही क्योंकि ये वर्कआउट ही नहीं होता तो उसके लिए बड़ा आसान है कि आप इसको
آپ کے پاؤں پاس پاس رہیں گے, یہ آپ کے ڈمبلز ہوں گے, اور آپ یہاں سے ادھر جائیں گے اور یہاں سے آپ ادھر جائیں گے. کوشش کریں گے اس کو یہاں کھینچ بھی لیں اوپر, اور اس طرح سے یہ اسٹریچ آپ کو زیادہ ملے گا. یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے, آسان بھی ہے, اور اس میں آپ کو ریزلٹ بھی اچھے مل سکتے. کتنی دیر کر سکتے ہیں یہ بتائیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انڈیورنس لیول کیا ہے اور کتنی انٹینسٹی سے کر رہے ہیں, اسپیڈ کیا ہے. کم سے کم کتنا کریں؟ کم سے کم, کم سے کم ایک سیٹ کے اندر جو ریپیٹیشن 15 مسٹ ہونی چاہیے, 12 بھی ہو جائیں بیسٹ ہے, 10 پہ پھر یہ گزارا ہے, 8 نہیں ہونی چاہیے. 8 نہیں, 8 سے نیچے تو میرے خیال سے فائدہ ہی نہ, 15 پہ فائدہ ہے, 15 پہ فائدہ. اچھا جی, اب میں کروں گی یہ کہ آ جائیے پلیز, ہمارے تالیاں ہو جائیں بھائی والنٹیئر کے لیے. لائیں ذرا یہ ٹیبل لے کے آئیں بیٹا, میرا بیٹا ادھر آ جائے. اچھا جی, اب کچھ یوں ہوگا کہ آ جائیں, بچے بھی خوش ہو رہے ہیں. اچھا جی, اب کچھ یوں ہوگا, ان کا نام کیا ہے؟ مائک دیجیے گا جی. نوید حیدر. نوید حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, مائک دیجیے گا ذرا. اچھا جی نوید صاحب, آپ کو کیا پڑی ہے یہ کرنے کی کام؟ صحت کے لیے بہتر ہے. صحت کے لیے مطلب بہتر ہے کہ ان سے پنجہ لگانا ہے آپ نے؟ آپ پنجہ لگائیں گے, مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ. اچھا آپ ایسے زور سے کہیں, زور سے کریں گے مقابلہ انشاءاللہ. نہیں وہ تو زور سے آپ جتنی ہمت ہوگی اتنی کریں گے, لیکن آپ ان کو کہیں کہ آ جاؤ میدان. ہاں آ جائیں میدان میں, آئے ماشاء اللہ. ایسے نہیں, وہ جو گبرو جوان ہوتا ہے نا اس کو اس طریقے سے کہیں, اس کیمرے کے اندر کہہ کے دکھائیں. آج ہم میدان میں ہیں انشاءاللہ, مقابلہ کریں ان کے ساتھ ایسے. ہاں بالکل, چلے جی آ جائیں, آٹھ زون ریس پیے لے جی پکڑے. احتیاطاً ریسکیو والوں کو فون کر دیں. میں ضرور ضرور, اللہ خیر کرے جی. 1 2 3 یار میں تو منہ چھپا لوں. سینٹر بھی رہا ہے بابنا ٹاؤن میں. اچھا اچھا, لیڈیز جم سینٹر چلاتے رہے اسی لیے. اچھا جی یوں ڈالی جی, میں جا رہا ہوں, میں منہ چھپا رہا ہوں یہاں سے. اچھا لیکن بنتا ہے یار, نہیں وہ انرجی ضائع ہو گئی ہے نا, پش اپس بھی لگ گئے اور انرجی ہو گئی. اس کا ایک حل ہے, میں اور سامیہ آپ کی بائک کی چابی لے کے جاتے ہیں, تھوڑا آپ رو لیں ادھر, کچھ نہیں ہوتا, تو تب تک ہم سیر کر کے ادھر مارننگ ڈاؤن کی آتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنی لڑکیوں کو امپریس کیا ہے؟ مطلب لڑکے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ obviously جب فزیکلی فٹ ہوتے ہیں تو ذرا باڈی چوڈی دکھانے کے لیے لڑکیوں کو امپریس کرتے ہیں. ہوتی ہیں لڑکیاں امپریس؟ باڈی اور اس طرح کی جو پرسنل آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں ان کو دکھا کے آپ تب امپریس کرتے ہیں جب آپ سے ویسے کوئی نہ ہو رہا ہو. میں تو لائم لائٹ میں ہوں اور میں مطلب کوئی اتنی بڑی پرابلم ہی نہیں ہے. اچھا ہماری انڈسٹری کے اندر کچھ ایسے ہیں, ایسے آرٹسٹ جن کو لگتا ہے آپ کو میل ایکٹرس کے جن کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے وہ دھیان دے رہے؟ سب کو ہی ہونا چاہیے. ریحان شیخ از اے ویری گڈ ایکٹر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے ویٹ کو واچ کرنے کی سخت ضرورت ہے, بہت شدید, کیونکہ ہر یہ نہیں کہ آپ دیکھنے میں اچھے لگیں, اصل چیز یہ ہے کہ ہر پاؤنڈ آف فیٹ جو ایکسٹرا آپ کی باڈی میں ہے وہ بیماریوں کا ایک انویٹیشن ہے, وہ بیماریوں کو بلا رہا ہے آپ کے پاس, آپ کو پتا بھی نہیں ہے, جس میں سب سے ہارٹ ڈیزیز ہیں اور پتہ نہیں کتنا کچھ ہے, اور مطلب آپ کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے ایک بار میں 126 kg میرا وزن ہو گیا تھا, 120, یا میری باڈی لینگویج چینج ہو گئی تھی, پتا تو نہیں چلتا تھا کیونکہ میں پھر تھوڑے گیلے کپڑے پہننے شروع ہو گیا تھا, بالکل ایک ڈرم جیسی چیز بن گئی تھی میری. بہرحال پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں چلتا, اور 8-10 مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے پتا چلا کہ کیا بہتری ہے. جب میں 112 پہ آ گیا تب چیک کیا, پھر اور موٹیویشن بڑھی, پھر 100 کے پاس آ گیا, 99 پہ آ گیا, پھر ایک وقت ایسا بھی 84 پہ آ گیا, لیکن 84 پہ آ کے میں بیمار لگ رہا تھا, تو میں نے کہا نہیں میرا ویٹ ہونا چاہیے بٹ 95. ٹھیک ہے, سو ناؤ اٹ از 95.
क्योंकि मेरा बोन स्ट्रक्चर नहीं, इट्स 100 ऑलमोस्ट 100 या एंड व्हाट्स योर हाइट? योर हाइट इज आल्सो 6'2" ठीक है, तो उस हिसाब से इट्स परफेक्ट. नहीं, मेरा जो बोन स्ट्रक्चर है ना, जो मेरा बोन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मेरे स्केलेटन का वजन बहुत ज्यादा है, तो मैं इतना वजन, मेरे लीन मसल या फैट जो उसका नहीं है जितना बोन्स का, बोन्स का है, तो वो हड्डियां चौड़ी हैं यानी कि उसके अलावा हैवी भी हैं. हैवी बिल्कुल सही, लेकिन वो आपने फिर कर लिया. अच्छा, एक और मसला खवातीन का अक्सर आता है, मुझे अब जल्दी से ब्रेक का बता देते वरना ब्रेक के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सरसाइज को. अच्छा, ब्रेक के बाद हम इस एक्सरसाइज को करेंगे कि खवातीन के खास तौर पर जामिया ये जो बाजू है ये लटक जाते हैं, तो अगर कोई हाफ स्लीव पहने या कोई औरत साड़ी पहनना चाहे, जरा खूबसूरत लगना चाहे, तो ये बाजू कैसे इसको कम कर सकते हैं. हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इसका डेमो भी करके दिखाएंगे. सामे आप करेंगे एक्सरसाइज? सामे चे आ जाए, तैयार है अंदर मेरे साथ करेंगी? हाँ, बाजुओं की एक्सरसाइज ब्रेक के बाद, तैयार. अच्छा, बाइक की चाबी ले ले, ब्रेक ले ले. वेलकम बैक वंस अगेन. चूंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अब हमें जरा हमारी जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं वो हमें कुछ एक्सरसाइज करना सिखाएंगी. अच्छा, आप पहले स्ट्रेचिंग सिखाएंगी? एक्सरसाइज के बाद सबसे जरूरी होता है कि बॉडी को रिलैक्स करना, ठीक है, जितने क्रैम्स हो गए उनको किस तरीके से हम लोग स्ट्रेचिंग, और ये एक मस्ट पार्ट आपके एक्सरसाइज का, स्ट्रेचिंग डेली बेसिस पे करें, ठीक है, 15 से 10 मिनट के लिए कर लें, लेकिन जरूर करें और पूरी बॉडी को साथ लें, ठीक है. और बाजू वाली एक्सरसाइज वो आपको सुनहरा, ठीक है, प्लीज आइएगा. अच्छा, बेसिक्स बताऊंगी आपको, बिल्कुल जो स्ट्रेचिंग है. सबसे पहले आपने फ्लोर पे लेट के अपने जो हार्ट बीट है उसको नॉर्मल करना, ठीक है, ठीक है? बिल्कुल आंखों को बंद करते हुए स्लो, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और लंबा सांस लें, ठीक है. वो लोग जो डिप्रेशन में है या कोई भी टेंशन में है उनके लिए बहुत अच्छी है. स्लो हाथों को ऊपर लेके जाके अगेन बॉडी को स्ट्रेच करें, पांव से नीचे की तरफ, हाथों से ऊपर की तरफ स्ट्रेच. टमी को बिल्कुल स्क्वीज करें, सांस को नहीं रोकना, कंटिन्यूसली सांस लेते रहें, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लेकिन आपने इस स्ट्रेचिंग में बोलना नहीं है, ठीक है, ठीक. जितना हो सके मेंटली रिलैक्स रखकर, शोर वाले कमरे से हटके और माइंड से सब चीजों को निकाल के, ठीक. एक लेग को बेंड करना है, यहां से होल्ड करना है, स्लो इसको अपनी तरफ खींचना एंड होल्ड, ठीक है. अब आप ये 6 सेकंड्स के लिए भी कर सकते हैं, 1 सेकंड के लिए भी होल्ड कर सकते हैं. सांस को अगेन नहीं रोकना, हल्का हल्का सांस बाहर निकालते रहे, ठीक. ये एंड देन अदर लेग, स्लो आपने लिया एंड देन स्ट्रेच, स्लो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज इन, टमी को किसी भी सूरत में ढीला नहीं छोड़ना, ठीक है, ठीक. स्लो अब दोनों लेग्स को लेके स्लो और होल्ड, ठीक है, ठीक है. अब आप स्ट्रेट करेंगे एक लेग को, इसको हमने होल्ड करना है, इसको आप ऊपर लेके आएंगे लाइक दिस एंड होल्ड स्लो, ठीक. आप ऊपर से पकड़ से स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो आपका हाथ इधर भी जाएगा, तो घबराना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, आप यहां तक आ जाएंगे, ठीक. And then other leg, slow and hold. ठीक है. और ये कितने मिनट्स करना होगा? ये आप 6 सेकंड्स के लिए, 8 सेकंड्स के लिए होल्ड, ठीक है, 6 से 8 सेकंड्स के लिए. पांव ये स्लो आपने साइड पे लेके जाना है और हाथ को आप ले जाए ऐसे या बेंड कर लें या जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल है, ठीक, ठीक है. बस बेसिकली इसमें बॉडी को आपने इंटेंस हालत में नहीं रखना, ठीक है. ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि आपके साइड्स और हर चीज जो है वो स्ट्रेच हो, ठीक है, ठीक. ये और ये, ठीक. ज्यादा बेहतर ये कि आप खुद स्ट्रेचिंग करें बजाय इसके कि आपको कोई करवाए. अच्छा, एक मिनट जरा आप खड़ी होए. हमें स्कूल में ये सिखाया जाता था इधर खड़े होके, वो जो पीटी किया करते थे स्कूल के अंदर, आप लोगों को याद होगा, वो ये होती थी ना इस तरह करके, है ना, वो क्या है? देखिए ऐसे, ये हाँ, नी को बिल्कुल आपने लॉक कर लिया, स्लो डाउन, हाँ, होल्ड. ये करते थे तुम लोग स्कूल में कि नहीं? हाँ, मैंने ये वाला नहीं किया. हम लोग हाथों के लिए खासतौर पे जो लोग आर्म्स को करें, जैसे अब आपको सुनहरा बताएंगे एक्सरसाइज, हाथ को ऐसे रखकर ये और स्ट्रेच, ठीक है. और ये कितने मिनट्स के लिए होगा? 8 सेकंड्स के लिए करने, सेकंड्स के इसमें आपने हिसाब रखने, ठीक, ठीक है. और ये आ जाए सुनहरा, अब आप आ जाए. और टेंशन जिससे दूर होती ना, जब आप देखें आप जितना मर्जी गुस्से में, आप हाथों को ढीला छोड़कर ये इतनी टेंशन आपकी रिलीज करेगा और एकदम आप फ्रेश हो जाएंगे. ये करके देखे, बल्कि जो चले करें, सब करें, आ जाएं, ये बड़ी टेंशन हो रही है, आ जाए सामने, आ जाए, और फिर अपने आप को थोड़ा सा करिए सामने, इतनी टेंशन आपकी जाएगी. एग्जाम्स की टेंशन है, किसी भी चीज की टेंशन है, जोर से ढीला छोड़ के ये जी जैगम शॉट बनाए, जैगम ये शॉट बनाइए, देखें जी नईम भी कर रहे हैं, नईम इसी तरह आज घर जाएगा बेगम के पास, जोर के पास, ये सारे पाकिस्तानियों को कह दो, ये तो टेंशन. ये तो मैंने एक ड्रामा किया था उसमें पागल बना था, ऐसे से ऐसे करे, टेंशन है हमें, क्या करें हम जी. अच्छा जी,
ठीक है, ये तो वैसे चांटे का एक पड़ रहा है, वैसे इस तरह करके ठ करके किसी को मारना हो चपेट ठ करके पड़ेगी ऐसे स्ट्रेट एंड देन साइड पे स्लो. अगर आपने जिस दिन जैसे अभी असद ने बताया साइड्स की एक्सरसाइज वो आपने की है, साइड में ज्यादा पेन है तो हाथ को ऊपर लेके जाके स्लो स्ट्रेच. ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड जी, थैंक यू. आ जाइए, अब आप आ जाइए जल्दी से, एक मिनट के अंदर. असद आपने किसी को लगाई है? मुझे लगता है आपने लगाई होगी. अच्छा हाँ, बेसिक हमारा होता है नहीं आर्म्स की प्रॉब्लम. ठीक है सर, ठीक है, ये है बाइसेप कर्ल लाइक वन. ठीक है, टू. मैं खुद भी वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ. ठीक है, मुझे मसल्स का बहुत शौक है कि आज आप एटलीस्ट स्लीवलेस भी पहनो तो आपके मसल्स नजर आए. ठीक है, ये देखने वाला कहते हैं यार ये फिटनेस गर्ल है. हाँ, लेकिन अच्छा, अगर आप ना बहुत कमजोर थी. ठीक है, बहुत, तो इसने एक्सरसाइज से वेट गेन किया. एक्सरसाइज से पतले होने के लिए नहीं है, ठीक है, गेन करने के लिए भी. अच्छा, और दूसरा ये भी कि जरूरी नहीं है कि आप हाफ स्लीव्स पहने या स्लीवलेस पहने, आप वैसे भी जरा फिट होना चाहिए कि गोश्त लटका हुआ ना हो बाजुओं का, या जिस तरह डबल चिन होगी या ट्रिपल चिन बने. जैसे सुंदर हमारी लेडीज का मोस्टली क्या सोचती है कि हमने वेट्स नहीं पकड़ना, पकड़े ट्राइसेप कहते हैं. अच्छा, वो घर के अंदर पुली डंडा होता है क्या कहते हैं उसको, हाँ उसको पकड़ ले तो वो और डंबल्स एक होंगे. वैसे सुनहरा बताएं प्लीज. इसमें फर्क होता है, बिकॉज़ लकड़ी है ना तो देखने में तो हैवी लगेगा, लेकिन अच्छा एक आसान तरीके, अगर आपके घर में डंबल्स नहीं है तो आप पानी की बॉटल्स ले लो, उसमें रेत डाले, पानी डाले, भांजी बजरी क्या कहते हैं वो डाले, बजरी डालो या रेत डालो, ये पानी के साथ आप वेट्स बना सकते हो. ठीक है, बजरी कहाँ से लाएं, किसी के घर में किसी भी घर बन रहा होगा, रेत डालें, रेत डालें, इर्द गिर्द कोई घर बन रहा है बजरी चुरा लें, चुरा के 5 लीटर की पानी की बोतल में डाले और यही इंटे में उठा सकते. बस करने वाले बने. हम मेकअप पे कपड़ों पे कितना खर्च करते हैं, हम दो डंबल नहीं ले सकते, ले हर घर में ये चीज होनी चाहिए. बिल्कुल, वैसे बड़ी डंबल्स होनी चाहिए, सब कुछ. और अगर आपसे आपको अपने आपसे प्यार है तो आप कर सकते हो, कर सकते हैं बिल्कुल. किसको अपने आप से प्यार है, हाथ खड़ा करके बताएं. ओए होए होए, बस आज से वेरी गुड. वो हमारे विनर किधर गए हैं, वो जो हाथ का मुकाबला करके वो बेचारे हलकानों के बाहर चले गए स्टूडियो से. अल्लाह खैर करे, प्लीज बताएं कहाँ पे है वो. अच्छा जी देखो, ठीक है, ये सब ट्राइसेप बाइसेप कल भी कर लिया, ट्राइसेप भी कर लिया. मेन इशू होता है हमारा ज्यादातर ट्राइसेप का, जो अक्सर राउंड में आ रहा होता है वो बहुत ही बुरा लगता है. तो इसके लिए बेस्ट है आप अपने चेस्ट तक लेकर आए एंड फ्रंट बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है, ताकि आपके ट्राइसेप के मसल परफेक्ट पड़े. ये अगेन स्लो, जैसे कि बिल्कुल स्लो. और कुछ लोग तेज करते हैं ये. ठीक है जी, ये नहीं, आपका एंगल ही नहीं होगा, एक्सरसाइज भी नहीं होगा. बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी. अच्छा जी, टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है और आप बैठ जाएं, आ जाएं. अच्छा जी, गाना भी सुनना है, असद का भी सुनना है, साद का भी सुनना है, क्या करें, इसी तरह ही रहे? मतलब क्या, नहीं मैं पागल हूँ कि मैं इस तरह रहूं, नहीं कह रहा, इसी तरह ही रहे, मतलब अल्लाह खैर करे, ऐसा भी क्या है. चाबी दे दें जरा बाइक की, मुझे टेंशन हो रही है, बाइक को कोई चुरा के ना ले जाए, मुझे टेंशन हो जाएगी. अच्छा जी, असद की खूबसूरत और मधुर आवाज में कितने लोग गाने सुनना चाहेंगे, सारी उसे पता चलेगा. हेलो जी, हेलो सजाद का ये गाना है, मेरा बड़ा फेवरेट है, और इसका पहला बंद मुझे आता है, मैं वही पेश कर रहा हूँ. साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना. मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ. थैंक यू, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच. और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे. अब आपकी बाइक बाहर खड़ी है, मैं उसकी नहीं गारंटी दे सकती. चले बस, मेरे ख्याल में खुदाफिज करके हम अपने अपने घर चलते हैं. सामने थैंक यू, वो बाइक का शुक्रिया अदा कर दो, पूरे प्रोग्राम में शामिल रही है, पूरे प्रोग्राम में शामिल रही है, स्पेशल थैंक यू, थैंक यू सो मच. कुछ कैरेक्टर होते हैं ना जिनका जिक्र चलता रहता है, तस्वीर भी लगी होती है,
तो तस्वीर पहले लग गई थी, अब उसका जिक्र चल रहा है, क्या बात। थैंक यू सो मच जी, आ जाए जी, आ जाए, घर जा रहे हैं अब हम सारे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, दोबारा से मुलाकात होगी। थैंक यू सारे लियो, थैंक यू सो मच जी। और हम चाहेंगे कि जाने से पहले ये साजो सामान भी उठा लीजिएगा, जाने से पहले हम साथ की आवाज में खूबसूरत सा गाना सुने, बहुत सी तालियां हो जाए। थैंक यू जी।